जो लोग बोल रहे थे ना मेरे से प्रोटेस्ट का आपने कुछ अपडेट दिए नहीं, इसलिए मैंने नहीं दिया था क्योंकि वो ऑलरेडी अब बात करते हैं भाई ओनर सब्जेक्ट हमने चेंज क्यों किया। बेसिकली मेरे पास तीन ऑप्शन थे, कॉन्स्टिट्यूशन था, क्रिमिनल लॉ था और उसके अलावा बिजनेस लॉ था। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 AM। सो कॉलेज जा रहे हैं पहले और ब्रेकफास्ट करने के लिए हाँ थोड़े से लेट हो गए। ट्राई करते हैं चाय पी लेते हैं, सो अदरवाइज निकल जाएंगे कॉलेज। बस ना ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे आज। भाई जब फर्स्ट लेक्चर हो गया, सीआर साहब अटेंडेंस नहीं लगाते हो यार आप, हमारी क्या बात है। लगाती गलती लगा दी तुम्हारी, बोल के आ गए हम। बोल के आ गए, सही है। चलो राज भाई बाहर घूम के आएंगे अपन। भाई साहब ये हमारे सीनियर्स का क्लास रूम था, बाकी बुला रहे थे मेरे को, बटन की क्लास स्टार्ट हो गई थी, समय का अभी नहीं जाते, बाकी किसी दिन मिलाएंगे और इनके क्लास रूम में अलग ही मजे आते हैं। भाई क्लास हो गई है ओवर, अभी लंच करने जा रहे हैं। बाकी ओनर सब्जेक्ट जो हमने क्रिमिनल लिया था वो चेंज कर लिया भाई, बिजनेस ले लिया। क्यों लिया उसका रीज़न मैं बताता हूँ रूम में पहुँच। तो भाई आप लंच करके रूम में आ गए। बाकी आज पता नहीं भाई मैथ्स वाले एकदम से काफ़ी खुश हो गए, पनीर बनाया हुआ है भाई, कोई ओकेजन नहीं है और ना ही कोई वीकेंड है, संडे है, पता नहीं खुश हो गए एकदम से, पनीर बनाया हुआ है और जीरा राइस था भाई। जीरा राइस कभी रहता नहीं है, यूजुअली संडे को या नाइट में रहता है डिनर में। तो अभी अराउंड 3 बज रहे हैं, सो 3:30 से एक मीटिंग है कुछ वाइस चांसलर सर के साथ, मतलब जितने भी सीआर हैं, जितने भी कन्वीनर्स हैं और एसबीए जो स्टूडेंट बॉडी एसोसिएशन है ना, उन सब की, मतलब जो भी बीआरआर्स हैं, ऑफिस बीआरआर्स हैं, उन सब की मीटिंग है एक वाइस चांसलर के साथ। सो वहाँ जाएंगे। उसके अलावा हाँ ऑनर सब्जेक्ट का जो मैं बता रहा था आपको कि पहले भाई मैं फर्स्ट डे कॉन्स्टिट्यूशन में बैठा। बेसिकली मेरा मन स्टार्टिंग में बिजनेस लेने का था, बट फिर मैंने स्विच किया भाई कॉन्स्टिट्यूशन में, एक दिन मैं वहाँ बैठा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बैठने के पीछे का रीज़न ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जुडिशरी का प्लान कर रहा हूँ और कोई भी अदर जितने गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं, बट वो मेरा ऐसा नहीं है कि एक ही प्लान नहीं है, हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जो सेकेंड ऑप्शन रहेगा मैं उस पर स्विच करूँगा। एक ही चीज़ के पीछे लगा रहना बेवकूफ़ी होती है वो, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है फिर आपके पास। अल्टीमेटली अगर आप 3-4 साल प्रिपेयर करते हो जुडिशियरी किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए और देन उसके बाद आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो या कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो या किसी दूसरे और अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन में आप जाना चाहते हो तो टाइम काफ़ी निकल चुका होता है। तो मेरे को 2 बेस्ट ऑप्शन मिल गए जिसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूशन था और एक क्रिमिनल था। सो कि बिजनेस का इन एग्ज़ाम्स में कोई काम ही नहीं होता, इसलिए मैंने वो ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था। ऑल द स्टार्टिंग मेरा वही लेने का प्लान था, वो क्यों था वो मैं आपको रीज़न बताऊंगा अभी। सो दो में सब मैं किसी एक को डिसाइड करना था। सो जो क्रिमिनल लॉ वाला था ना, उसका सिलेबस जो था कोर्स मैट्रिक, उसमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी जो कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के सिलेबस से मैच कर रही थी, और मैं ऐसा कुछ सोच रहा था कि जो ऑनर सब्जेक्ट का जो सिलेबस हो ना वो काफ़ी कुछ मैच कर जाए तो मुझे वापस से कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ना पड़े। That was the main reason। तो अब बचे हुए 2 सब्जेक्ट में भाई मैं एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में बैठा। तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन लेता हूँ और फॉर एग्जाम्पल एक सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो उसमें मेरे को इस सब्जेक्ट को जब डिटेल में मैं पढ़ता ना, तो मेरे पास काफ़ी कुछ कॉन्टेंट वहाँ लिखने को होता और ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें ऑनर्स में पढ़ा हुआ हूँ, सो काफ़ी हेल्प मिलती। बट फिर मैंने चीज़ें जो रियलाइज़ की बाद में और काफ़ी लोगों से पूछा, गाइडेंस ली थोड़ी सी, ये पता पड़ा कि जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स वगैरह जो एक्सपेक्ट करते हैं ना, इतना डिटेल में आंसर्स नहीं लिखना होता है वहाँ पे जितना डिटेल में ऑनर सब्जेक्ट में पढ़ाने वाले हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं एक दिन बैठा था, मेरे को समझ ठीक से आया नहीं और मुझे समझ आ गया था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं हूँ भाई, क्योंकि काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहे थे भाई उसमें। अब दूसरा ऑप्शन बचता है क्रिमिनल, हमने क्रिमिनल ले लिया क्योंकि हम वही एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम वाले पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे कि जो चीज़ हमें कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में हेल्प मिलेंगी हम वही लेंगे। अल्टीमेटली होता ये है कि 2 वीक क्रिमिनल की क्लासेस अटेंड करने के बाद भी हमें रियलाइज़ होता है कि हमें बिजनेस लॉ लेनी चाहिए। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इन केस
इन एनी वॉ सिनेरियो अगर मैं लॉ फील्ड ही छोड़ देता हूँ तो मेरे पास जो मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचता है वो है बिजनेस। सो अगर बिजनेस लॉ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, और एक्सपांड करते टाइम भी ऑब्वियसली बात है आपके पास अपने लीगल ऑफिसर्स होंगे और आपके पास अपना CA होगा। बट अगर आपको खुद को नॉलेज होता है ना तो आपको बार बार वो अपने CA से नहीं पूछना पड़ता है, अगर आपको खुद को ऑलरेडी वो चीज़ें सारी पता हैं। सो मेरा बेसिक रीज़न यही था मैंने बिजनेस लॉ ऑप्ट किया है। ऑल दो जो मेरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला प्लान है वो अभी भी ऑन है, उसे ऑफ नहीं करने वाले हैं। तो ओनर सब्जेक्ट की स्टोरी ये थी, बाकी मैं सोचा था एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिल जाए कि ओनर सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं, बट ये एक छोटे से एक क्लिप से आपको समझ आ गया होगा होपफुली, क्योंकि सब कॉलेज के कोर्स मैट्रिक्स अलग होते हैं और सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं, उस हिसाब से चूज़ करना पड़ता है। सो आप अपने सीनियर से पूछिए, टीचर से पूछिए। उसके अलावा भाई DNLU में जो पार्टियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं, सो आज भाई बेसिकली नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं और इवनिंग में गरबा नाइट होने वाली है। दो दिन का इवेंट रहेगा, कल है गरबा नाइट, आज कुछ भजन अजन संध्या है ऐसा कुछ, मतलब काफ़ी अच्छा इवेंट होने वाला आज का भी। पार्टी होगी बेसिकली, ये है गरबा हो या ना हो वो हम करने लगेंगे भाई अगर हमारी इच्छा होगी तो। डांस तो ऑब्वियसली बात हो गई, सो आज का भी इवेंट है और कल का भी है, सो इवनिंग में काफ़ी मस्त प्लान है, ब्लॉग पूरा देखना भाई, मज़े आएंगे मस्त भाई। सीरियसली बताऊँ ना, ये लंच के बाद जो एकेडमिक ब्लॉग में बुलाते हैं ना भाई, बिल्कुल मन नहीं करता, इतना आलस आता है ना जाने में, जाना पड़ता है। और अभी तो वैसे भी ये ठीक है, बट वाह सब स्टार्ट हो जाएंगे कंसल्टेशन असाइनमेंट्स वगैरह की, वो और ज़्यादा हेक्टिक लगता है भाई जाना। भवन में जलसा होने वाला है, 23,000 रुपए का स्पीकर। सुमित सर की तरफ से होगी, शक्ल दिखा दूं मैं। ये देखो भाई, नो फोटोज नहीं चाहिए। भाव का ऐसा रिएक्शन नहीं देखा आज तक मैंने। ओ माय गॉड, मैं 22,000 सही में खर्चा कर दिया। 23 भाई, मेरे तो मिट्टी खत्म हो गई। चलो चलो सर बाय। भाई साहब मीटिंग हो गई है, बाकी किस रीज़न से मीटिंग थी मैं आपको बेसिकली बता दे रहा हूँ। जो DNLU में प्रोटेस्ट हुआ था ना भाई, जो भी डिमांड्स थी वो EC और जो भी गवर्निंग बॉडीज़ थी, सुपीरियर बॉडीज़ थी, उनके पास प्लेस की गई थी। सो उनका क्या डिसीज़न था, कोई भी डिमांड मतलब अराउंड अगर 100% कंसीडर करते हैं तो सिर्फ 20% डिमांड जो है एक्सेप्ट की गई हैं। सो बची हुई डिमांड पे जो रिजेक्शन था उसके रिगार्ड में एक मीटिंग रखी थी, बाकी अभी भी कुछ कंक्लूजन निकला नहीं है। जो लोग बोल रहे थे ना मेरे से प्रोटेस्ट का, आपने कुछ अपडेट दिए नहीं, इसलिए मैंने नहीं दिया था क्योंकि वो ऑलरेडी पेंडिंग था मैटर। बाकी अभी मार्केट जा रहे हैं कुछ काम से। भाई ये आ गए हम भवरतल गार्डन, जबलपुर का काफ़ी फेमस गार्डन है। काम हो गया था मार्केट में तो हमने कहा ये मतलब यहीं पे आए हुए थे इसी एरिया में, तो हमने कहा चलो घूमते, क्योंकि भाई ये जस्ट सामने उसके अपोजिट साइड में चर्च है। तो फर्स्ट ईयर में आया हुआ था मैं, तब घूमा था, बाकी अभी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया प्लान जाने का, क्योंकि भाई 10 रुपये की टिकट है और हमें सिर्फ 5-10 मिनट घूमने थे, तो कोई सेंस नहीं बनता टिकट ले के अंदर जाने का। हमने सोचा फ्री हुए, भूल गया था। विशाल भाई डेयरी मिल्क ले रहा है, मेरे लिए तो ऑब्वियसली बात नहीं लेगा ना। नहीं ले रहा भाई, किसके लिए ले रहा है? किसके लिए ले रहा है? मैं खा नहीं सकता। ये ले लिए भाई, रात में भूख लगती है क्योंकि हमें भाई साहब इवेंट का पूरा सब कुछ प्रिपरेशन हो गई है, बस चलना बाकी है हमें। भाई साहब मार्केट से आ गए रूम में, थोड़ा सा ऐसे बेड पे लेट गए थे और गलती से नींद लग गई, पहले नहीं होता था ऐसा मेरे साथ। इवेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, मन नहीं कर रहा है यहाँ जाने का, पता नहीं इतने सारे इवेंट होने लगे ना, इसमें डेली ऐसा लगने लगा है, बट फिर भी मैं चलूँगा आप लोगों को देखने के लिए। बाकी पहले ये खा लेते हैं क्योंकि डिनर में स्किप कर दिया मैंने आज का। जड़ा हड़बे हड़बे पीछे से एक बार ताली बजा दीजिए, पीछे से सभी।
भाई साहब रिटर्न आ गए, बाकी इवेंट तो अभी भी चल ही रहा है। अराउंड 11:30 से ज़्यादा का टाइम हो गया है। वैसे डांस वांस वगैरह कल है, जो गरबा नाइट है ना वो कल है। आज सिर्फ भजन संध्या थी, जिसमें कि भजन वजन होने वाले थे, जगराता काइंड ऑफ थिंग थी। सो पूरी रात तो नहीं होने वाली अभी इससे बात है, बट हाँ जगराता चल रहा है अभी, और बीच बीच में कुछ परफॉर्मेंसेस भी होते रहती थी। सो कल के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, बाकी आज भी कुछ गरबा वरबा नाइट थी तो नहीं, बट फिर भी गरबा कर लिया बच्चों ने। वैसे डांस करने का स्टार्टिंग में मन नहीं था, बट फिर हमने कर लिया थोड़ा बहुत डांस। अब हो क्या रहा है ना भाई, इतने फ्रिक्वेंटली इवेंट्स हो रहे हैं तो भाई काफ़ी फ्रिक्वेंटली डांस करने को मिल रहा है, तो डांस करने का मन भी नहीं कर रहा था। बाकी कल गरबा नाइट होने वाली है, कल का ब्लॉग बहुत तगड़ा होने वाला। आज का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं था, और प्रिपरेशन भी पूरी नहीं हो पाई थी, डेकोरेशन अभी चल रहा है। कल का जो होगा ना इवेंट वो काफ़ी अच्छा होगा। सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।